श्रावण मास शुरू हो चुका था। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे। उन पर गंगा जल की वर्षा हो रही थी। कैलाश पर्वत पर यह बहुत ही अद्भुत और मनोरम दृश्य था। तभी वहाँ नारद मुनि आए। वे भी कैलाश का सुंदर नजारा देखकर मोहित हो गए। नारायण नारायण, प्रणाम देवी पार्वती। ये दृश्य कितना मनमोहक है। महादेव के ऊपर तो गंगा जल की वर्षा हो रही है। कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव। देवर्षि नारद, श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और आप तो जानते ही हैं कि धरती लोक पर सभी शिव भक्त कांवड़ यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। महादेव के नाम का हर हर महादेव और बम बम भोले का जयकारा लगाते सभी शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर अलग अलग तीर्थ स्थानों से गंगा जल लेने निकल चुके हैं। अद्भुत, अति मनमोहक। तभी भगवान शंकर अपने नेत्र खोलते हैं। देवर्षि नारद, आप आ गए। प्रणाम महादेव, आपका संदेशा पाकर मैं शीघ्र ही आ गया। आप साधना में लीन थे, इसलिए मैं कैलाश के मनोरम दृश्य को देख रहा था और माँ पार्वती के साथ इस विषय पर वार्तालाप कर रहा था। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवर्षि नारद, आप तो जानते ही हैं, सावन मास में अनेकों भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं और गंगा जल से मेरा अभिषेक करते हैं और मेरा आशीर्वाद पाते हैं। पर आज मेरे एक भक्त बिरजू को आज मेरी सहायता की आवश्यकता है। वो मुझ पर विश्वास करके कुछ पैसे जोड़कर कांवड़ यात्रा पर निकला था, ताकि वो कांवड़ का जल लाकर मेरा अभिषेक कर सके। वो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है और उसकी कांवड़ यात्रा पूर्ण होने से उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे। पर रास्ते में पैदल यात्रा करते हुए बिरजू के पैर में चोट आ गई है, पर फिर भी वो बड़ी मुश्किल से मेरा अभिषेक करने के लिए जल लेने जा रहा है। वो देखिए देवर्षि नारद, वो रहा बिरजू। आपको उसकी सहायता करनी है और उसका साथी बनकर उसकी कांवड़ यात्रा पूर्ण करनी है। महादेव, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिरजू की कांवड़ यात्रा पूर्ण करके ही लौटूंगा और इसी बहाने मैं भी कांवड़ यात्रा के फल को प्राप्त कर लूंगा। मुझे भी आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हो जाएगा। आपके भक्त आप पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप उनकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। बिरजू भी इसी विश्वास पर आपके नाम की कांवड़ यात्रा लेकर निकला है और मैं उसके इस विश्वास में भागीदारी अवश्य करूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रभु, आप अपने भक्तों पर न जाने कब कृपा कर दे, इसका भेद कोई नहीं जान सकता। देवी पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा देते हैं। उधर नारद मुनि एक साधारण मनुष्य का वेश धरकर बिरजू के पास जाते हैं। बिरजू सड़क पर चोटिल अवस्था में धीरे धीरे कांवड़ को लेकर चल रहा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे भैया, तुम्हारे तो पैर पर चोट लगी है, फिर भी तुम कांवड़ को लेकर जा रहे हो। इतनी दूर का लंबा सफर कैसे तय करोगे भाई? भैया, मुझे अपनी चोट की परवाह नहीं है, मुझे तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करनी है। लाओ, कुछ देर अपनी कांवड़ मुझे दे दो और वहाँ पत्थर पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लो। मेरे पास कुछ खाने का सामान है, थोड़ा कुछ खा लोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। बड़े भले दिखाई पड़ते हो भाई, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है नारद। एक पल के लिए तो बिरजू नाम सुनकर थोड़ा सा चौंक गया। नारद, बड़ा ही सुंदर नाम है। तुम्हारे आचरण को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात देवर्षि नारद मेरे सामने खड़े हैं। अच्छा, मुझे देखकर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, फिर तो लीजिए मेरी तरफ से ये कुछ पकवान, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर इन्हें ग्रहण कीजिए। नारद मुनि अपने झोले में से खाने के पौष्टिक व्यंजन फलाहार निकालकर बिरजू को देते हैं और बिरजू के हाथ से कांवड़ अपने कंधे पर ले लेते हैं। आराम से आप भोजन कीजिए और उसके पश्चात ये औषधि लेप, इसे आप अपने पैरों पर लगा लेना, आपकी चोट ठीक हो जाएगी। इतने सारे पकवान आप भी तो खाओ भाई, मैं इतना सब कुछ अकेले कैसे खाऊंगा? मेरा तो पेट बहुत भरा हुआ है, मैं पहले ही इनमें से बहुत कुछ खा चुका हूँ। ये कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही प्रसाद है। आप आराम से खाओ, फिर आपकी कांवड़ मैं उठा लूंगा और वार्तालाप करते हुए हम अपना रास्ता तय कर लेंगे। नारद जी मनुष्य रूप में बिरजू की पूरी सहायता करते हैं। बिरजू को तो पता ही नहीं था कि साक्षात नारद मुनि उसकी कांवड़ लेकर जा रहे हैं। रास्ते भर वे दोनों वार्तालाप करते रहे और बिरजू का रास्ता कब तय हो गया उसे पता ही नहीं चला। बिरजू गंगा नदी से जल भर कर लाया। बीच बीच में नारद मुनि बिरजू की कांवड़ को उठाते रहे और फिर बिरजू ने जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक पूरा करा। बिरजू की पत्नी और बच्चे भी पूजा में शामिल थे। हे शिव शंकर,
आपकी लीला अपरंपार है, आज मेरी कावड़ यात्रा पूरी हो गई। नारद नाम के इन सज्जन पुरुष ने मेरी कावड़ यात्रा में बहुत सहायता की है। अरे शीला, अभी यहाँ पर नारद नाम के वो सज्जन पुरुष खड़े थे जो मेरे साथ आए थे जब मेरे पैर में ये चोट। अरे मेरी चोट कहाँ गई? मेरे पैर में तो घाव था, मैंने वो औषधि लेप लगाया था जो नारद नाम के उस व्यक्ति ने दिया था। स्वामी, आपके साथ तो कोई भी नहीं था, आप अकेले ही तो आए थे। आपके साथ तो इतनी देर से मैंने किसी को भी नहीं देखा, कौन था आपके साथ? मैं पहचान गया मेरे साथ कौन था। मेरे साथ साक्षात देवर्षि नारद थे। हे प्रभु, मैं देवर्षि नारद को पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। शिव शंकर, आपने ही नारद मुनि को मेरी सहायता के लिए भेजा था ना, मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया है। बिरजू अपनी पत्नी शीला और मंदिर के पंडित जी को ये बात बताता है। सब लोग बिरजू की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। सब मिलकर हर हर महादेव के नाम का जयकारा लगाते हैं। साथ ही साथ बिरजू नारद मुनि को भी धन्यवाद कहता है कि आज उन्होंने उसकी कांवड़ यात्रा में उसकी सहायता करके कांवड़ यात्रा को सकुशल पूरा करवाया। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष उपस्थित थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सच, भगवान शिव अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो कोई भक्त कांवड़ यात्रा करता है उसका विशेष फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। बिरजू के जीवन में खुशियों का आगमन होता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा का ही फल था। शिवपुर गांव में एक बहुत ही पुराना पेड़ था जिस पर एक कौवा और कोयल दोनों रहते थे। एक बार दूसरे गांव से आए दो युवक उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। कोयल अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। वाह, कितनी मधुर आवाज है इस कोयल की, इसके गाने ने तो मानो हमारी सारी थकान पल भर में ही गायब कर दी। कितना आनंद आ रहा है इसका गीत सुनकर, ऐसा लग रहा है ये सारा दिन ऐसे ही गाती रहे और हम इसके मधुर गीतों में खोए रहे। कुछ देर गाने के बाद कोयल चुप हो जाती है, तभी कौवा काए काए करना शुरू कर देता है। इस कौवे ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। कौवे की कर्कश आवाज सुनकर उन दोनों राहगीरों ने पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। कौवा डर कर वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद जब वो दोनों वहाँ से चले गए तब कौवा आकर उस पेड़ पर वापस बैठ गया। कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, भगवान ने मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा क्यों कहते हो, तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? देखो ना बहन, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दे दिया और ऊपर से आवाज भी कर्कश वाली दे दी। जहाँ भी बैठकर कुछ बोलना चाहूँ तो लोग आवाज सुनकर पत्थर मारने लगते हैं। और एक तुम हो, भले ही तुम्हारा रंग काला हो लेकिन बोली इतनी मीठी है कि तुम्हें सभी सुनना चाहते हैं, तुम्हें कोई नहीं भगाता। यही तो विधाता का खेल है मेरे भाई, वो जिसे जैसा बनाता है उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरी भी तुम्हारी तरह मधुर आवाज हो जाए। ये तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें कोयल बना दे, सिवाय उस शिवजी भगवान के। विधि विधान को बदलने की क्षमता तो केवल शिवजी के ही पास है, एक वही है जो ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर तुम कैलाश जाकर शिवजी से प्रार्थना करो तो वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। कौवा वहाँ से उड़कर दो दिन का सफर तय करके कैलाश शिवजी के पास पहुँच जाता है। प्रणाम प्रभु। कागराज, आज कैलाश किस कारण वशाना हुआ? इसके बाद कौवे ने अपनी सारी व्यथा शिवजी को सुना दी। उसकी कहानी सुनने के बाद शिवजी बोले, हे कागराज, तुम इतने दुखी ना हो, तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा। किंतु मैं चाहता हूँ कि कोयल बनने से पहले तुम एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वो कितनी सुखी है। शिवजी की बात सुनकर कौवा कोयल के पास जा पहुँचा और उसको अपनी और शिवजी के बीच हुई सारी बात बता दी। फिर कोयल उससे कहने लगी, भैया मेरी आवाज भले ही मीठी है पर रंग काला है, अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है जो कितना सफेद है, सभी देखना चाहते हैं उसे। सारा दिन सरोवर में रहता है, कितना सुंदर लगता है, हर कोई उसे देखना चाहता है। कोयल की बातें सुनकर कौवे का मन बदल गया और वो फिर शिवजी के पास पहुंचा। प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना, वो तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, किंतु हंस
जरूर अपनी जिंदगी से खुश होगा। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर हंस बना दूंगा, पर एक बार जाकर तुम हंस से पूछकर आओ कि वो कहीं अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं है। कौवा एक बार फिर उड़कर हंस के पास पहुंचा। भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे ना? नहीं भाई, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार ना कर ले। लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा? आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मारकर खा लेते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे। यही मेरी जिंदगी है। सच कहूँ तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है, हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच। हंस की बात सुनकर कौवा तोता बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और वो शिवजी के पास जाकर कहता है, प्रभु मुझे तोता बना दीजिए। कागराज, तुम एक बार तोते से जाकर पूछो कि कहीं उसको भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। उसके बाद कौवा तोते के पास चला जाता है और उससे पूछता है, दोस्त तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम अपनी इस चोंच से स्वादिष्ट खाना खाते हो। हरा हरा सा खूबसूरत रंग है तुम्हारा, लाल लाल सुंदर सुंदर चोंच है तुम्हारी। देखने में कितने सुंदर हो, सब लोग तुम्हें मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। दोस्त, मेरी सुंदरता ही तो मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना बंद कर दे, मेरी आजादी ना छीन ले। असली सुंदरता तो मोर के पास है, सुंदर सुंदर पंख, और जब वो नृत्य करता है तो कितना सुंदर लगता है। तोते की बात सुनने के बाद कौवा शिवजी के पास गया और बोला, प्रभु ना ही मुझे हंस बनना है और ना ही तोता, कृपा करके मुझे मोर बना दीजिए। मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। कागराज, तुम एक बार मोर से भी पूछ लो, उसे कहीं अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। कौवा मोर को ढूंढने गया लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर वो उसे चिड़ियाघर में मिलता है। भाई, तुम दिखने में कितने सुंदर हो, जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। लोग तो तुम्हारे साथ फोटो खींचने में कितने खुश रहते हैं। और एक मैं काला कलूटा, अगर मैं किसी की छत पर भी बैठ जाऊं तो वो मुझे वहां से भगा देते हैं। अरे काहे की सुंदरता, इसी सुंदरता के कारण तो आज मैं पिंजरे में कैद हूँ। अगर बाहर रहता हूँ तो हर समय डर रहता है कि कब न जाने कौन आकर मेरे पंख नोच ले, कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है, ना ही तुम्हें कोई पकड़ता है और ना ही तुम्हारा शिकार करता है। अपनी आजादी में रहते हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तुम्हें खुद से शिकायत रहती है कि तुम्हारा रंग काला है और आवाज बेकार है। सच कहूँ तो यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाए। मोर की बातों को सुनकर अब कौवे को समझ में आ चुका था कि ईश्वर वही करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो तुम्हें पसंद हो। ये सोचकर कौवा फिर शिवजी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु मुझे ना तो तोता बनना है, ना कोयल, ना हंस और ना मोर। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ प्रभु। शिवजी उसकी बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, कागराज यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हमें किसी से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा दुख का कारण ही बनती है, और हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है। अब कौवे को सारी बात समझ आ चुकी थी। वो शिवजी से आज्ञा लेकर खुशी खुशी वापस कोयल के पास लौट जाता है। ये बात उस समय की है जब भगवान शंकर के पास कोई वाहन न था और उन्हें पैदल ही धरती लोक, जंगल और पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। उन्हें इस तरह यहाँ से वहाँ पैदल जाते देख एक रोज माँ पार्वती उनसे बोली, स्वामी आप तो समस्त संसार के प्रभु हैं, क्या आपको इस तरह पैदल यात्रा करना शोभा देता है? देवी, हम तो रमता जोगी हैं, हमें वाहन से आखिर क्या लेना देना? भला साधु भी कभी सवारी करते हैं? अपने भीगे नैनों से शिवजी की तरफ देखते हुए माँ पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी जब आप शरीर पर भस्म लगाकर
बालों की जटा बनाकर नंगे पांव कांटों भरे रास्तों पर चलते हैं, तो ये देख मुझे बहुत पीड़ा होती है। शिव जी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। जंगल में रहना भले ही माँ पार्वती को स्वीकार था, लेकिन वो अपने स्वामी यानी कि शिव जी के लिए वाहन चाहती थी। माँ पार्वती की जिद के आगे शिव जी को भी झुकना पड़ा और वो अपनी सवारी रखने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसे अपना वाहन बनाए। शिव जी ने नारद मुनि से कहकर सभी देवी देवताओं तक उनका बुलावा भेजा। हे इंद्रदेव, महादेव अपने लिए वाहन ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सभी देवताओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। महादेव और वाहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा ऐरावत, मेरा हाथी वाहन मुझसे लेना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं अपना वाहन किसी को नहीं दे सकता। इससे तो उचित यही होगा कि मैं उस सभा में जाऊं ही नहीं। यही सोचकर सभी देवतागण अपने अपने महलों में बैठे रहे और कोई भी सभा में शामिल नहीं हुआ। काफी देर तक इंतजार करने के बाद माँ पार्वती उदास हो गई। शिव जी ने देखा कि सभा में किसी के भी सम्मिलित नहीं होने से देवी पार्वती उदास हो गई हैं, तो उन्होंने जंगल की तरफ जोर से एक हुंकार लगाई, जिसे सुनते ही जंगल के सभी जानवर वहां आ पहुंचे। देवी पार्वती चाहती हैं कि तुम में से कोई एक मेरा वाहन बने, बोलो कौन है जो मेरा वाहन बनना चाहता है? ये बात सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। तभी खरगोश आगे बढ़कर बोला, अरे वाह महादेव का वाहन, भला ऐसा कौन सा पशु या पक्षी होगा जो आपका वाहन नहीं बनना चाहेगा महादेव? महादेव मैं बहुत मुलायम हूँ, कृपा करके मुझे अपना वाहन बना लीजिए। खरगोश की बात सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। तभी शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? बेचारा खरगोश चुपचाप एक कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। तभी शेर शिव जी से बोला, प्रभु मैं जंगल का राजा हूँ और शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। नहीं नहीं महादेव, मेरे अलावा और कोई भी इस काम के लिए ठीक नहीं है प्रभु। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर आपको नहलाऊंगा। शिव जी मुझे अपनी सवारी बना लो, मैं साफ सुथरा रहने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर सुअर अपना कीचड़ चाटने लगा। उसको ऐसा करते देख हिरण ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी छी छी, कितनी बदबू आ रही है तुमसे। शिव जी तो केवल मेरी पीठ पर बैठकर ही सवारी करेंगे। इसी तरह सभी जानवरों ने अपना अपना दावा जमाया। इसके बाद शिव जी ने सभी जानवरों को शांत करवाया और कहा, आप सब शांत हो जाइए, आज से कुछ दिन बाद मैं आप सबसे कुछ मांगूंगा, जो मेरे लिए वो ला देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल उन्हीं जानवरों की भीड़ में खड़ा था। उस दिन के बाद से वो छिप छिप कर शिव जी और माँ पार्वती की बातें सुनने लगा। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वो वहीं छुप कर उनकी बातें सुनता रहता। स्वामी आप ऐसा क्या मांगने वाले हैं उन जानवरों से, हमें भी तो पता चले। हमारी मांग बहुत ही छोटी सी है देवी, हमें अपने लिए सूखी लकड़ियाँ चाहिए। उनकी ये बात नंदी सुन लेता है। वो जल्दी से जाकर पहले ही सारा इंतजाम कर लेता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। कुछ दिनों के बाद शिवजी ने फिर सभा बुलाई। उस वक्त बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सारा जंगल पानी से भर गया था, साथ ही सारे पेड़ लकड़ियाँ भी भीग चुकी थी। ऐसे में शिवजी ने सबसे कहा, जो भी पशु मेरे लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आएगा वही मेरा वाहन होगा। शिवजी की बात सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। आखिर ये कैसी मांग कर डाली महादेव ने, भला बरसात के मौसम में हम सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे, सारा जंगल तो बरसात से भीग चुका है। भगवान शिव की ये बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी नंदी बैल भागते हुए गया और सूखी लकड़ियों का ढेर उठा लाया। ये देख भगवान शिव बहुत खुश हुए। मैं जानता हूँ नंदी, तुमने हमारी बातें छुपकर सुन ली थी। मुस्कुराते हुए शिव जी ने ऐलान किया, हमारे कहे अनुसार नंदी ने हमारी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए आज से नंदी बैल ही हमारा वाहन होगा। ये बात सुनकर नंदी बैल बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद सभी जानवर जोर जोर से
शिव और माँ पार्वती की जय जयकार करने लगे और नंदी बैल को शिव का वाहन बनने की ढेरों शुभकामनाएं देकर वहाँ से चले गए। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया, खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूँ, शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिवजी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है, आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए, रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ जाते हैं। महादेव ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं, ऐसा करो भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो, हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे, उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है, ऐसे कब तक चलेगा नंदी। हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ, इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, महादेव ने बोला है कि हम उसे वहाँ रख दें, वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव, महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है पर रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए। एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा, उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सब ने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर तुम हमें नहीं जानते पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं, हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूछते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना। ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा,
ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है, पर तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ, इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम ये भूल कैसे सकते हो। भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेश आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव, भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। ये सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में दो बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। शाम का वक्त था। मनोहर शिवजी के मंदिर में शिवजी की पूजा में व्यस्त था। गांव के बाकी लोग भी वहां मौजूद थे। हे शिव शंभू, हम सब आपके भक्त हैं। हमारे गांव का भला करना प्रभु, गांव में शांति बनाए रखना। लेकिन दूसरी ओर गांव के सबसे अमीर आदमी प्रेमचंद जी के बंगले में कुछ और ही प्लान चल रहा था। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है गोवर्धन जी, हमें समय के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो मंदिर वाली जगह मुझे बेच दीजिए, वहां मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, इसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। प्रेमचंद के घर में गोवर्धन नाम का एक बड़ा व्यापारी आया हुआ था। दोनों मिलकर बिजनेस की बातें कर रहे थे। इतने में गोवर्धन जी ने ये बात कह दी, जिसे सुनकर प्रेमचंद जी ने कहा, देखिए, मेरा कुछ खास ताल्लुक नहीं है उस मंदिर से, मैं तो अभी बेच दूं आपको, लेकिन गांव वाले नहीं मानेंगे, वो लोग हर शाम को मंदिर में पूजा करते हैं वहाँ। अरे, पैसों के आगे कौन नहीं झुकता प्रेमचंद जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रेमचंद ने वो जमीन बेचने का वादा कर दिया। उधर मनोहर और उसकी बीवी सावित्री एक महीने बाद आने वाली शिवरात्रि का प्लान बना रहे थे। सुनो सावित्री, इस बार की शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, पूरा गांव मिलकर शिवजी का भजन गाएंगे, उसी से शिवजी प्रसन्न होंगे। मनोहर खेती बाड़ी करता था। गांव के ज्यादातर आदमी मनोहर की तरह खेती करते थे, लेकिन इस साल बारिश न होने की वजह से फसल नहीं उगी थी, इसीलिए सभी परेशान थे। सभी मनोहर से कहते हैं,
अरे मनोहर भाई, क्या होगा हमारा? फसल ही नहीं उगेगी तो हम खाएंगे क्या? चिंता मत करो भाई, ऊपर से महादेव सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इस साल की शिवरात्रि हम धूमधाम से मनाएंगे। शिवजी के मंदिर को हम अच्छी तरह सजाएंगे। शिवजी हमसे जरूर प्रसन्न होंगे। लेकिन गरीब गांव वालों के दुख दर्द को प्रेमचंद और गोवर्धन जैसे लोग कहां समझ पाते हैं। अगले दिन सोमवार था। हर सोमवार गांव की औरतें शिवजी के लिए व्रत रखती थी और शाम को मंदिर में पूजा करने के बाद ही कुछ खाते थे। अगले दिन शाम को गांव की औरतें मंदिर की ओर जाने लगी। सावित्री भी सभी के साथ ही जाने लगी, लेकिन मंदिर के सामने आते ही वो लोग चौंक गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन लोगों ने देखा कि मंदिर को चारों ओर से कांटे वाली तार से घेरा जा रहा है और पास ही में प्रेमचंद जी और गोवर्धन जी खड़े हैं। सावित्री ने प्रेमचंद जी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है प्रेमचंद जी? क्या हो रहा है? तुझे दिख नहीं रहा है? मैंने ये जमीन बेच दी है, अब गोवर्धन जी ये मंदिर तोड़ के यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे। तभी वहाँ मनोहर चला आया और उसने कहा, लेकिन इस मंदिर से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन ये जमीन मेरी है, ये मत भूलो, मैंने ही तुम लोगों के कहने पर ये मंदिर बनाया था। लेकिन अब ये मंदिर शिवजी का है, हम इसे नहीं तोड़ने देंगे, क्यों भाइयों? सभी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ नहीं तोड़ने देंगे, हाँ हाँ नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे। चिल्लाते हुए सब लोग मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। गोवर्धन जी ने प्रेमचंद जी से कहा, ऐसे तो तमाशे के अलावा कुछ नहीं होगा प्रेमचंद जी, अभी चलिए यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो दोनों चले गए। गांव की औरतें मंदिर में गईं और शिव जी की पूजा करने के बाद फल खाकर व्रत तोड़ा। लेकिन मनोहर का मन अशांत हो गया। वो अपने ही मन में कहने लगा, ये लोग फिर से आएंगे, लेकिन हमें उन्हें रोकना होगा। उस रात मनोहर ने एक सपना देखा। उसके सपने में शिव जी आए हुए थे। शिव जी ने मनोहर से कहा, मनोहर मैं तुमसे और गांव वालों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों को बस एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। उस मंदिर में धूमधाम से शिवरात्रि मनानी होगी और उसके बाद ही तुम लोगों को मेरी कृपा मिलेगी। मनोहर की नींद टूट गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हाथ जोड़ लिया, शिव जी आपने खुद मेरे सपनों में आकर मुझे आदेश दिया, भला मैं उसे कैसे टाल सकता हूँ? अब तो चाहे जान देनी पड़े, लेकिन उस मंदिर को मैं बचा कर ही रहूंगा। मनोहर के मन में अचानक से एक शक्ति आ गई। सुबह उसने सभी गांव वालों से उसके सपने के बारे में कहा। तभी एक आदमी ने कहा, अगर ये सच में हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी, घर पे खाना खत्म होने को है। हाँ, मेरे घर में भी और दो हफ्ते का खाना बचा है, उसके बाद शायद हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तो बारिश हो जाए, फसल उगेगी तो ही हम जिंदा रह पाएंगे भैया। गांव वालों की हालत बुरी से बदतर होती जा रही थी। तभी वहां गोवर्धन जी आए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे रुक जाओ रुक जाओ, हैं? मैं तो यहाँ तुम लोगों की भलाई के लिए ही आया हूँ। देखो तुम लोगों के पास खाना नहीं है, सही कहा ना मैंने? जेब में पैसे नहीं है, कैसे जिंदा रह पाओगे तुम लोग बताओ? ये सुनकर सभी चुप हो गए। गोवर्धन जी ने कहा, मेरे पास इसका हल है, मैं तुम लोगों को पैसे देना चाहता हूँ। हर एक को मैं 20,000 रुपए दे दूंगा, बस तुम लोगों को ये मंदिर छोड़ देना होगा। ये सुनकर मनोहर ने चिल्लाकर कहा, कभी नहीं, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन मंदिर कभी नहीं देंगे। अब तुम लोगों की मर्जी, मैं तो बस तुम्हारे भले के बारे में बात कर रहा था। ये बोलकर गोवर्धन जी चले गए। मनोहर और सावित्री ने सबको बहुत समझाया कि एक जाल है, लेकिन पैसों के बारे में सुनकर आधे गांव वालों की नीयत खराब हो गई। वो लोग रात को चुपके चुपके प्रेमचंद जी के घर गए। उनमें से एक का नाम था लक्ष्मण। उसने कहा, प्रेमचंद जी हम सभी आपके साथ हैं, हमें बस पैसों से मतलब है। पास में ही गोवर्धन जी बैठे हुए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखा प्रेमचंद, कैसे एक खेल से आधे गांव वाले हमारी साइड आ गए। लेकिन वो मनोहर बड़ा सयाना है, वो आधे लोगों को लेकर भी बवाल खड़ा कर सकता है।
अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बड़ा लीडर बनता है ना, उसके बारे में मैंने सोच के रखा है। शिवरात्रि के दिन ही उसे सबक मिल जाएगा और उसी दिन मैं मंदिर तोड़ के फैक्ट्री का काम शुरू करूंगा। उधर मनोहर और सावित्री को रात को खाली पेट सोना पड़ा और इसी तरह दिन बीते गए। खेती करने की जमीन सूखी पड़ने लगी। सावित्री ने मनोहर से कहा, घर में कुछ पैसे तो पड़े हैं, उससे हम खाना नहीं खरीद सकते क्या? नहीं सावित्री, वो शिवरात्रि के लिए है। उस दिन फूल खरीदना है, फल और दूध भी तो खरीदना है। कुछ दिन खाली पेट रह लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भूख के कारण एक एक करके सभी गांव वालों ने गोवर्धन और प्रेमचंद का साइड ले लिया। बस मनोहर और सावित्री अकेले शिवरात्रि का इंतजार करते रहे और आखिरकार वो दिन आ गया। सुबह सुबह मनोहर गांव वालों को बुलाने के लिए लोगों के घर घर गया, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। नहीं मनोहर भाई, सबसे आगे जो है पेट है, खाली पेट जो है हम पूजा नहीं कर सकते भैया, माफ करो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। लेकिन धूमधाम से शिवरात्रि मनाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे मनोहर के पास नहीं थे। सावित्री के पास एक आखिरी सोने का हार था, उन दोनों ने वो हार बेच दिया। मनोहर ने सावित्री से कहा, पैसों से फूल खरीद के तुम मंदिर जाओ, मैं बाकी चीजें खरीद कर थोड़ी देर में आता हूँ। सावित्री फूल लेकर मंदिर की ओर जा ही रही थी, इतने में कुछ लोग एक गाड़ी में आए और सावित्री को उठा कर ले गए। सावित्री बहुत चिल्लाई मगर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। उधर बाजार से सब कुछ खरीदने के बाद मनोहर मंदिर पहुंचा, लेकिन वो सावित्री को ढूंढ नहीं पाया। सावित्री कहाँ है? उसे तो यहीं पर आने के लिए कहा था। तभी गोवर्धन जी और प्रेमचंद जी वहाँ पर आए और गोवर्धन जी ने कहा, देखो भाई सावित्री तुमको नहीं मिलेगी जब तक तुम इस कागज में दस्तखत नहीं कर देते, समझे? सावित्री को मेरे आदमियों ने अगवा कर लिया है। अगर तुम इस कागज में दस्तखत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी कैदी बना लूंगा। मैं ये कभी नहीं करूंगा, ये शिव मंदिर हमारी आस्था है, मेरे जिंदा रहते हुए इस मंदिर में एक भी आंच नहीं आने दूंगा। मैं आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाऊंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। मनोहर के हाथ में दूध का पतीला था, वो शिवलिंग पर दूध डालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी गोवर्धन जी के पालतू गुंडे वहाँ आए और मनोहर को पकड़ लिया। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए वहाँ आ गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं शिव जी का भक्त हूँ, तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। गुंडे मनोहर से दूध का पतीला छीनने लगे और तभी पतीले से दूध शिवलिंग पर गिर गया। मनोहर की मनोकामना पूरी हुई और तभी वहाँ एक चमत्कार हो गया और शिवलिंग से स्वयं शिव जी बाहर आ गए। पापियों, तुम लोग मेरे भक्त के पीछे क्यों पड़े हो? शिव जी को देखकर सभी चौंक गए, सभी ने अपना हाथ जोड़ लिया। गांव के लोगों, तुम लोग एक पापी का साथ दे रहे हो, वो मेरा मंदिर तोड़ना चाहता है। क्षमा कीजिए महादेव, गलती हो गई। क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। प्रेमचंद और गोवर्धन, तुम दोनों को पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता है, तुम दोनों पापी हो, इसलिए मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। ये बोलकर शिवजी ने दोनों को भस्म कर दिया। उसके बाद शिवजी ने मनोहर को वरदान देना चाहा, लेकिन मनोहर ने कहा, हे महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, बारिश ना होने की वजह से गांव वाले परेशान हैं, आप बस बारिश करवा दीजिए। वाह वत्स, तुम जैसा निस्वार्थ भक्त पाकर मैं प्रसन्न हूँ। शिवजी ने बारिश करवा दी, सावित्री मनोहर के पास वापस आ गई। गांव के लोगों ने मनोहर से माफी मांग ली, मंदिर नहीं टूटा। उसके बाद से दूर दूर से लोग उसी मंदिर में शिव जी की पूजा करने के लिए आने लगे और गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।